संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली 16 अप्रैल को एनडीए सीडीएस और नौसेना अकादमी परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। इसके लिए प्रशासन द्वारा उपमंडल मंडी में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां परीक्षाएं करवाई जाएगी। अधिक जानकारी देते हुए मंडी एसडीएम ऋतिका जिंदल ने कहा कि यह परीक्षा शांतिपूर्ण व सुचारू रूप से सम्पन्न करवाई जाएगी, जिसके लिए सभी इंतजाम कर दिए गए हैं। 16 अप्रैल को परीक्षा के दिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक इन परीक्षा केंद्रों के पास किसी भी तरह के जुलूस, नारेबाजी, धरना और सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रैलियां और कार्यक्रम आयोजित करने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि एनएच अथॉरिटी को भी पंडो हाईवे को डबल लेन में खुला रहने के आदेश दिए हैं, ताकि ट्रैफिक जाम न हो और परीक्षार्थी समय पर परीक्षा केंद्रों में पहुंच सके। जैसा कि आप सबको विदित है कि लास्ट ईयर मंडी को भी यूपीएससी, दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने, जो कि आईएएस और एनडीए एग्ज़ाम्स लेता है, उन्होंने मंडी को भी अपना प्रीलिम्स का सेंटर बनाया था। लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम आईएएस का, दैट इज़ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था मंडी में। उसके बाद एनडीए सीडीएस का भी एग्ज़ाम मंडी में एज अ सेंटर हुआ था। इस बार थर्ड टाइम ये एग्ज़ाम हो रहा है यूपीएससी का। 16 अप्रैल को एग्ज़ाम है, यूपीएससी एनडीए सीडीएस का एग्ज़ाम है, और 7 सेंटर्स हैं मंडी में। बहुत ही खुशी की बात है कि मंडी पे जो है कार्यप्रणाली पे उनको इतना विश्वास था, तो उन्होंने सेंटर्स जो है इस बार और बढ़ा दिए हैं। लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा कंडक्शन रहा था एग्ज़ाम का, तो 7 सेंटर्स हैं इस बार। बॉयज़ स्कूल है, गर्ल्स स्कूल, डाइट, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, आईटीआई, इंडस ग्लोबल स्कूल और डीएवी है। तो ये जो हमारे 7 सेंटर्स हैं, 7 सेंटर्स में जो है 144 की धारा इसलिए लगाई गई है ताकि बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए कोई दिक्कत ना हो। कोई भी रैली, प्रोसेशन, किसी भी प्रकार का स्ट्राइक्स जो है, या फिर प्रोसेशन या स्लोगनियरिंग, ये कोई भी अलाउड नहीं है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक इन 7 सेंटर्स के आसपास, ताकि बच्चे जो है वो आराम से एग्ज़ाम दे पाएँ। एनएच अथॉरिटीज़ को भी डायरेक्शन दे दी गई है ताकि वो पंडो हाईवे जो है डबल लेन वो खुला रखे, ताकि कोई भी बच्चा जो है ट्रैफिक जाम की वजह से ऐसा ना हो कि वो एग्ज़ाम ना दे पाए। तो हमारा पुलिस को भी यही हिदायतें हैं ताकि ट्रैफिक जो है प्रॉपरली मेंटेन रहे, रेगुलर चलता रहे, और पंडो वाला जो हाईवे है वो प्रॉपरली ओपन रहे। इस तरह से प्रशासन की जो है वो सारी मशीनरी जो है हमने काम पे लगाई हुई है, ताकि बच्चों को सारी सुविधाएं मिलती रहे इस एग्ज़ाम की। तो इन डिफरेंट सेंटर्स पे एनडीए और सीडीएस का जो है वो एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो मेरी सभी मंडी वालों से ये रिक्वेस्ट है ताकि प्रशासन की वो हेल्प करें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो आराम से वो एग्ज़ाम अच्छे से वो दे सकें।